नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिसके अयशबाजी की वीडियो सामने आती है, और जब आती है तो फिर उसको बचने के लिए नेता ऐसे अजीबोगरीब बयान देते हैं जो समझना मुश्किल है। वैसे भी नेता के बयान लोगों को समझ में क्या आता, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ हैं, और यही वजह है कि जनता उनसे खुश भी नहीं रहती। नया मामला राहुल गांधी से जुड़ा आया है। एक वीडियो आप सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल का ये वीडियो है, और एक जो है उस वीडियो में वो कुछ लड़कियों के साथ भी सामने दिखते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 3 दिन से काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन इसको लेकर अब सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से जो है अब बयान आने शुरू हो गए। पहले मामला क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, राहुल गांधी जो है वो कहा जा रहा है कि नेपाल में गए हैं, और किसी पहले तो शादी समारोह कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और निकल के आया, उसमें खूब ऐशबाजी कर रहे हैं, लोगों के साथ दिख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद से तरह तरह के जो है लोग बयान देने लगे, लेकिन बीजेपी ने जब से इस पर अटैक किया है तो और भी घमासान मच गया। बीजेपी ने कहा कि एक वो विपक्ष जो आज देश में जरूरत है, विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है, कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है, तो विपक्ष यहां ऐशबाजी कर रहा है। वो और वो भी नेता जो सबसे विपक्ष का मजबूत नेता, कोई और नहीं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। जी हाँ, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी को लेकर बवाल और घमासान मचा हुआ। तो देखना होगा कि बीजेपी ने जो अब इस वीडियो पे अपनी बातें रखी हैं, क्या इस पर राहुल गांधी कुछ अपनी बातें रखेंगे, क्या सफाई देंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो देश में आज हालात है, विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो रोल वाकई में नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि बीजेपी के मंत्री ने जो बयान दिया है और राहुल गांधी के इस वीडियो पे जो सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इतना ही, बाय। खबर के लिए देखते हैं एसपीएनआई न्यूज़। नमस्कार।